तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, और जो 100 डेमन का ट्रायल यहाँ पे था, ट्रायल पूरा करा था, और ट्रायल में इसको टेक्निक यहाँ पे सीखनी थी, जो कि आराम से सीख रहा था। अब आते भाई बाहर सर, यहाँ पे गोल्डन विग रॉक जो पक्षी यहाँ पर है ना, उसको बुला लिया जाता है, तो ये भी पूछता बोले एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चालू है। तो बाकी बीस्ट यहाँ पे कहते हैं भाई एक वॉक यहाँ पर है, जो पक्का जो बुद्धिज्म सेट होता ना, बुद्धिज्म सेट का ओलिसन यहाँ पर होगा, स्पिरिट सेक्रीफाइस लेवल पर है, और हम लोग है ना अवेकिंग लेवल पर है, लेकिन तो भी ना हम सब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हम सबके बैंड यहाँ पे बजाया जा रहा है। जो सुनते गोल्डन वीक रॉक भी कहता है भाई तुम सब पागल हो गधे के बच्चे हो, जो भी एरिया के अंदर इंसान यहाँ पर आता ना, ऐरा करे इंसान यहाँ पर नहीं आता, सुपर जीनियस और टैलेंटेड इंसान यहाँ पर आता है, तो भी तुमने सामने से उसको अंडर एस्टिमेट यहाँ पे किया, यानी जाहिर सी बात है इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुमको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए था। ये लोग कहता है हम लोग क्या करें भाई, वो फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे जा चुका है, अंदर गया और अवेकिंग लेवल पर चल गया ना, हम बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे, कोई वेपन यहाँ पे मिल गया तो भी टिक नहीं पाएंगे। तो ये अपना मुंह जोर से ओपन करता है और चिल्लाता है, तो उसके मुंह के अंदर से एक पंख यहाँ पे निकलती है, जो भी एक टाइप का वेपन था, जो देखे लोग चौक जाते हो माय गॉड यार, ये वेपन लगता है ना बड़ी कमाल का वेपन है, जो बड़े से बड़े मुसीबत से भी तुमको बचा सकता है। यार वेपन देकर ही मेरी आत्मा यहाँ पे कांप गई, सामने से ये बताता भी पक्षी, यस भी बड़ा कमाल का वेपन है जो मेरे एल्डर ने मुझे यहाँ पे दिया था, लेकिन ये वेपन अब मेरे किसी ज्यादा काम का नहीं है, तो इसके लिए ये जो है वेपन मैं फॉर्मेशन तोड़ने के लिए यूज करूंगा। तो जो वेपन था यानी वो जो पंख, वो फॉर्मेशन पे लगा और फॉर्मेशन तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, और अंदर से जो शैवो ने ना उसको भी ऐसा आइडिया लगता है कि एक सेकंड यार ऐसा क्यों लगता है कि जो बीस लोग है ना वो फॉर्मेशन पे अटैक करके फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये 100 डेमन बताता है कि यस उनके पास एक बड़ा कमाल का वेपन है जो कि उनके एल्डर ने उनको गिफ्ट यहाँ पे दिया था, वही वेपन यहाँ पे यूज किया जा रहा है तोड़ने के लिए। साले कमीने भाई वेपन को अच्छे से यूज ना करके बेकार चीजों में यूज कर रहे हैं। हमारा मैं कटा भी सुनता कि अभी ऐसा वेपन जो कि इनके एल्डर लोगों ने दिया था, ऐसा जो वेपन होता है ना जिंदगी में तुम एक ही बार यूज कर सकते हो एक बड़ी सी मुसीबत से बचने के लिए, लेकिन साले इतने सच्ची में नलायक यहाँ पर है ना कि फॉर्मेशन तोड़ने के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जो सुनते 100 डेमन कहते हैं यस जो बीस्ट ना सच्ची में बहुत ही ज्यादा नलायक यहाँ पर है, लेकिन सालों ने फॉर्मेशन में क्रैक कर दिया, जो फॉर्मेशन है बहुत जल्दी टूटेगा, तो सब मिलकर तेरे ऊपर हमला यहाँ पे करेंगे, तुझे बचाने के लिए ना मेरे पास एक कमाल का वेपन है जो मैं तुझे दे सकता हूँ, ये ले भाई ये कमाल का होली वेपन है, जब अपन जवान था सही सलामत यहाँ पे था ना तब मैंने इसका यूज यहाँ पे किया था। तो जैसे हमारा मेकअट लेता ना वो भी चौक जाता है, और जैसे वेपन टच करता है ना इसको मेमोरी यहाँ पे दिखती है जो 100 इमॉर्टल ने इसको अच्छे से यूज यहाँ पे किया था, तो सामने से 100 डेमन आवाज लगाता भाई क्या हो गया, यह जग 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 यहाँ पे ज्यादा मेरी मेमोरी में खूब मत जाना है, तो वो भी जग जाता है कि हाँ हाँ होश में आ गया। और वो 100 डेमन ये भी बताता कि सुनिए जब मैं जिंदा यहाँ पे था इस सोर के बदले मैंने एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे डेमन लोग यहाँ पे मारा था, तो उनका जो ब्लड का पावर है ना इसके अंदर यहाँ पे घुसी पड़ी है, और जो कमाल के 8 डेमन को मारा था जो कि 7th लेवल के थे उनका ब्लड भी इसके अंदर यहाँ पर है, यानी समझिए सोर ना कंप्लीटली ब्लडी यहाँ पे बन चुका है, ये तेरे पे कब्जा भी कर सकता है, लेकिन मैं तुझे देना चाहता नहीं था लेकिन अभी के लिए मुसीबत आ चुकी है इसे तुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, मुझे निराश मत करना। ये भी कहता डोंट वरी मैं आपको बिल्कुल भी निराश यहाँ पे नहीं करूंगा, चलो यार इसने डेमन लोग को मारा आगे चल के और डेमन लोग को मारेगा, डेमन स्लेइंग सोर्ड ये इसको नाम यहाँ पे दे देता हूँ, और निराश आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करूंगा। वो ये भी कहता सुनो मेरी बात, एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है पूरा करोगे क्या, ये भी कहता यस बोलिए क्या रिक्वेस्ट है, ये बताता कि जैसे कि डोगू जीएन मेरा यहाँ पे नाम है और डोगू फैमिली मेरी फैमिली यहाँ पर है, तो मैं चाहता तो मेरी फैमिली में जाओ, मेरी फैमिली में किसी कमाल के लौंडे से मिलो और उसको अपने डिसाइपल बना लो, जो भी टेक्निक जो भी इनहेरिटेंस मैंने तुमको पास किया ना वो तुम उनको यहाँ पे दे देना, ताकि वो भी आगे चल के अपने नए जनरेशन को ये टेक्निक यहाँ पे पास ऑन करते रहे। ये भी कहता बस इतू सका मैं ना आराम से मैं कर लूंगा। 100 डेमन ये भी कहता है हाँ एक छोटा सा रिक्वेस्ट और यहाँ पर है कि तुम जैसे ये टेक्निक यूज करना और आगे चल के ना कमाल के सोर्ड एम्पायर यहाँ पे बनना, आज तक ना कोई सोर्ड एम्पायर यहाँ पे नहीं बन पाया है और मेरा सपना यहाँ पे था सोर्ड एम्पायर बनना, एक कदम बस मैं दूर था लेकिन पूरा नहीं कर पाया, आई होप तुम ये जो सपना ने मेरा पूरा कर दोगे, गुड बाय। इतना बोलकर उसकी आत्मा कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है। हमारा मैं कटे कहता डोंट वरी सीनियर आपका सपना यहाँ पे पूरा करूंगा, और रही बात उन सारे बीस्ट का इंतजार करो भाई आ रहा हूँ तुमको इसी तलवार से काटने। अब आते भाई बाहर सर, यहाँ पे जो फॉर्मेशन यहाँ पे था ना फॉर्मेशन टूट चुका था, हमारा शैवन भी बाहर आ जाता है, बाहर आता कहता सुनो भाई तुम सारे बीस्ट लोग करें ना स्पेशली भाई गोल्डन वीक वाले को मार करें ना, आज भगवान के पास यहाँ पे पहुँचाऊंगा, तो उससे पहले एक छोटा सा अमिताभ उसके बाद इतना बोल करें ना अटैक निकालता है और सारे बीस्टों पर कर देता है। वो जो बर्ड वाला यहाँ पे था ना बर्ड वाला चला था वो उन पर क्या अटैक कर रहा भाई, तेरा मेन अपोनेंट तेरा मेन दुश्मन आप यहाँ पर है मेरे पे अटैक कर, इतना बोल के ये अपने मेन कैटर पर अटैक करता है, वो भी अटैक को डॉच करता है, तो सामने से अटैक निकालता है, वो भी टेक्निकल आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के टकराते हैं, दोनों एक दूसरे से हल्का सा पीछे यहां पर आते हैं, फिर हमारा मेकटर एक और अटैक निकाल कर उस बर्ड के ऊपर यहां पे कर देता है, लेकिन बर्ड भी ना आराम से अटैक को डॉच कर लेता है। जो देख हमारा मेकटर भी कहता उफ 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 तू तो सच में काफी तेज है रे, बाकी बीस्ट भी देख के चौंक जाते हैं, चलो भाई हमारे जो गोल्डन वीक डॉग है ना वो फाइनली काम यहां पे करेंगे, लेकिन वो भी अब एकिंग स्टेज पर है और ये लड़का भी स्पिरिट सैक्रिफाइस स्टेज पर है, यानी मानना पड़ेगा यार ये लड़का सच में काफी तेज है, अपने सेट का होली सन नहीं बल्कि सन ऑफ गॉड यहां पे लगता है।
है, हमारे में कटक कहते हैं मुझे लगा कि शायद मैं अपनी पावर यहाँ पे यूज़ करूँगा तो तुमको आराम से जहाँ से मार डालूंगा, लेकिन शायद नहीं मार पाऊंगा, लेकिन डोंट वरी मेरे पास ने कमाल का स्वॉर्ड है जो मुझे अभी अभी मिला है, वो मैं यूज़ करूँगा तुमको मारने के लिए। तो जैसे स्वॉर्ड यहाँ पे वो देखता है ना बर्ड, वो भी देख के हिल जाता है, कह रहे बाप रे ये स्वॉर्ड तो कुछ ज़्यादा धासु लग रहा है, कौन सा स्वॉर्ड है? हमारा शयनू बताता है समझ ये वो स्वॉर्ड है जो स्वॉर्ड ना अस्त्री जान यहाँ पे निकालेगा। जैसे बाकी बीस्ट यहाँ पे देखते हो भी चौक जाते हो माय गॉड ये तो कोई कमाल का होली वेपन यहाँ पे लग रहा है, ये आते ना उस लड़के की पावर ऑटोमेटिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी हमारे जो बर्ड है ना हमारे बर्ड समझो बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं। उसके बाद है ना भाई फाइट वाइट यहाँ पे होती है, सामने से जो अटैक निकाल के हमारे शयून की ओर यहाँ पे कर देता है, तो हमारा शयून उस स्वॉर्ड यहाँ पे लेता है और अटैक उन्हें दो टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। स्वॉर्ड डेमो ने कहा भी था कि ये जो स्वॉर्ड को संभाल पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इससे मैंने ढेर सारे ना डेमो लोग की जान निकाली थी जिनका ब्लड जिनकी आत्मा भी इसके अंदर स्टोर यहाँ पर है। हाँ तो जो कुछ था ना इसके माइंड को अफेक्ट यहाँ पे कर रहा था, हमारा मेक कटा भी देखते कि शीडी अरे तो मेरे को अफेक्ट यहाँ पे कर रहा था, लेकिन अफेक्ट करने से पहले वो जो बर्ड है ना बर्ड को यहाँ पे मारना चाहिए। बर्ड भी नोटिस कर लेता कि अच्छा ये स्वॉर्ड अभी भी अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा, उसका जो भी है ना अफेक्शन इसके माइंड पर लग रहा है तो ये ज़्यादा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन हमारा मेक कटर आ गया था उसके छाती में स्वॉर्ड यहाँ पे देख के मारता है और स्वॉर्ड देख के मारने को देना वो कट के नहीं मारता बल्कि जो स्वॉर्ड है ना धीरे 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 जो बर्ड है ना बर्ड की पूरी पावर पूरी एनर्जी पूरा जो चमड़ा हड्डी सब कुछ लिटरली ऑब्जॉर्ब करने लग जाता है। जो देख के आउटियन भी चौक जाते कि अरे बाप रे भाई ये स्वॉर्ड कितना ज़्यादा निर्दय है, इतना निर्दय तरीके से अपोनेंट को यहाँ पे मारा जाता है क्या? और देख सकते हैं पूरे बर्ड को ऑब्जॉर्ब यहाँ पे कर लिया जाता है। ये भी कहता है इस स्वॉर्ड द्वारा ना आगे चल के अपने सारे अपोनेंट को ऑब्जॉर्ब यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन नहीं आगे चल के ना जब एमरजेंसी यहाँ पे पड़ेगी ना तभी मुझे यूज़ करना चाहिए क्योंकि यार ऐसा स्वॉर्ड जितना ज़्यादा ऐसा बंदे लोग को ऑब्जॉर्ब करेगा उतना डेंजरस हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको संभाल पाना। इसके लिए हाँ इसके लिए कुछ भी आगे यूज़ करने से पहले मुझे चार बार सोचना चाहिए। जो बाकी बीस्ट यहाँ पे थे देख के जाते हैं डर के अरे बाप रे हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट यहाँ पे टिक नहीं पाया, हम कौन होते भाई इसलिए भागो यहाँ से, तो सबके सब वहाँ से बाहर नहीं लग जाते हैं। हमारा मेक अटैक कहता है भाई तुम ऐसे कैसे यहाँ पे भाग पाओगे, तो अपना एक अटैक निकालता है और अटैक निकाल के यहाँ पे कर देता है। तो कोई था भी भेड़िया जैसा बीस्ट वो भी देखते हैं ये भी अटैक कर रहा है भागने भी नहीं देगा, तो डोंट वरी मैं भी अटैक यहाँ पे करूंगा, तो ये भी अटैक यहाँ पे निकालता है सामने से करता है। हमारे मेक अटैक उससे घंटा भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, एक और अटैक यहाँ पे करता है और इस अटैक में जो बीस्ट ना उस बीस्ट की जान यहाँ पे निकाल लेता है। ये भी देखते चलो इसकी भी जान यहाँ पे निकाल ली और अभी के लिए जो सेंटर एरिया है ना मैंने उस सेंटर एरिया में बढ़ जाना चाहिए जहाँ पे और भी कमाल कमाल के होली बीस्ट मिलेंगे, ज्यादा बड़े बड़े होली बीस्ट को मारूंगा तो ही ज्यादा मुझे फायदा होगा और मेरा मिशन यहाँ पे पूरा होगा। उसको हमारा मेक अटैक इसी गुफा में चल जाता है जिस गुफा में पहले समय रैबिट वाला डेमोन यहाँ पे था, उसको भी धमकी देता है तुमको मार डालेंगे, वो भी कहता है यार तुम हमको छोड़ दो बदले में ना एक कमाल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है जिसके साथ तुमको हम मिलवाएंगे। सुनो यार डेमोनिक मॉन्क, ये कहता है डेमोनिक मॉन्क तुमने मुझे डेमोनिक मॉन्क कहा, ये भी कहता है यस मैंने अभी अभी सुना हमारे यहाँ जो एक होली बीस्ट यहाँ पे था वो एक गोल्डन विंग रॉक तुमने उसको जहाँ से मार डाला निर्दय तरीके से, जाहिर सी बात है ऐसा कहा मैंने कोई डेमोनिक बीस्टी कर सकता है आई मीन कोई डेमोनिक आदमी कर सकता है। ये भी कहता हूँ सारा बकवास यहाँ पे छोड़, तूने बोलो तो कोई कमाल की अपॉर्चुनिटी मैंने को दिलवाएगा, बता भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या है, अगर सही रहा तो भी छोड़ दूंगा नहीं तो तू रैबिट यहाँ पर है ना और रैबिट लोग का मीट यहाँ पे बड़ा टेस्टी होता है, वो भी सोचता है आदमी बस खाने के बारे में सोचता है। और मॉक है ना यार मुझे लगा जो मॉक लोग है ना वेजिटेरियन होते मीट वीट यहाँ पे नहीं खाते, लेकिन ये तो मीट खाने के बारे में बात कर रहे हैं। ये बताता सुनो हमारे यहाँ के ना एक डेमोन एम्परर यहाँ पे थे, उनका जो टॉम्ब है ना उनका टॉम्ब बहुत जल्दी ओपन होने वाला है जहाँ पे काफ़ी सारी कमाल की चीज़ें मिलेगी, मुझे उसका लोकेशन का आइडिया है मैं तुमको वहाँ पे लेकर जाऊँगा। ये कहता सच्ची में भाई ये कोई छोटी बात नहीं बल्कि बड़ी बात है, तेरे वो कैसे मालूम? तो सच्ची में मुझे बता देगा, मुझे लगता है तो झूठ बोल रहा है ना। वो कहता नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँ सच बोल रहा हूँ विश्वास करो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, ये तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।